आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अब नशे के कारोबारियों की यूपी में खैर नहीं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हुआ गठन। अवैध शराब और ड्रग माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान की सीएम योगी ने की समीक्षा। प्रदेश भर के ड्रग माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। कहा, यह सभी है राष्ट्रीय अपराधी। नशे का कारोबार करने वालों के भी सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे पोस्टर, इन्हें हर हाल में होना चाहिए दंडित। केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान मीडिया से हुए रूबरू। कहा, विविधता को आदर के साथ संदेश लेकर चलने से ही अमृतकाल के सपनों को किया जा सकता है पूरा। मोदीपुर स्थित बने दो अवैध रेस्टोरेंट को जीडीए के द्वारा करवाया गया ध्वस्त। जीडीए इंजीनियर ने कहा, ताल की जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था रेस्टोरेंट, नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे थे, खाली करवाया गया ध्वस्त। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एडवोकेट एवं पूर्व एमएलसी स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, स्वर्गीय नागेंद्र नाथ जी थे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कानूनविद, समाज सेवी और शिक्षावादी। जनपद को अपराध मुक्त बनाने के लिए त्रिनेत्र अभियान के तहत शहर की हर गली चौराहों पर व्यापारियों और आम व्यक्तियों की मदद से लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एडीजी जोन ने शहर के सभी व्यापारियों के संघ की बैठक। कहा, क्राइम को रोकने और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की है महत्वपूर्ण भूमिका। एसपी लाइन राहुल भाटी का एसपी सिटी बरेली के पद पर हुआ स्थानांतरण। सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने माल्यार्पण कर दी बधाई। मकान में घुसकर चोरी करने वाले दो अभियुक्तों शाजिद अली व कैलाश चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का एक टुल्लू मोटर, 8 छोटा तांबे का पाइप किया बरामद, भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी ने अग्निपथ योजना को लेकर भ्रांतियों को किया दूर। कहा, देश की रक्षा में युवा शक्ति व अनुभव के सेतु बनेंगे अग्निवीर। पाकिस्तान में सिख महिला का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने पर सिख समाज ने पाकिस्तान का फूका पुतला। भारत सरकार से कदम उठाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। और 24 अगस्त को चरगावा आईटीआई में रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। सहायक रोजगार सहायता अधिकारी ने कहा, रोजगार मेले में शामिल हो अधिक से अधिक अभ्यर्थी, रोजगार मेले का ले लाभ।